So good morning, everyone. Today we are going to start with the last part of indefinite integral. We have already completed till exercise 3.3. The last exercise 3.4 is the last part of this chapter. And this is the last method also of integration, that is integration by partial fractions. Today, we would like to cover all the different types under this topic and we'll try to complete this exercise. Integration by partial fractions. Okay. Now, suppose if I assume that let fx and gx are two polynomials. Okay. Let fx and gx are two polynomial. Then fx upon gx is called as rational algebraic function. Provided that this gx should not be zero. Because denominator cannot be zero, rational because it is in the form of p by q. In that, there are two cases. If suppose any function is of this form, then we call them as rational algebraic function. Okay. But if suppose in this, if degree of fx, I hope you all remember what do you mean by degree of a polynomial, highest power of x, right? So if degree of fx is less than degree of gx, then this rational algebraic function fx upon gx is called as proper rational function. Otherwise matlab अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है, एफ एक्स का डिग्री ग्रेटर देन जी एक्स है, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर. अदरवाइज एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये जो भी अभी बोर्ड पे लिखा है आप लोगों को समझ में आया. जनरल एफ एक्स अपॉन जी एक्स को रैशनल बोलते हैं. उसमें अगर एफ एक्स का डिग्री लेस है जी एक्स के डिग्री से तो उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे, और ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे. ओके. So, ये दो टाइप के ही प्रॉब्लम हमको आएंगे, या तो कभी एफ एक्स का डिग्री लेस होगा जी एक्स से, या तो जी एक्स का डिग्री एफ एक्स का डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू होगा.
ठीक है, दोनों केस को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। केस वन, सपोज मैंने पहले इम्प्रॉपर फंक्शन को लिया, ओके। सो इम्प्रॉपर फंक्शन मतलब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन लिया। व्हाट इज दैट इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है? कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि लेस देन में प्रॉपर होता है ना, तो उसका उल्टा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, राइट। अगर ऐसा होता है तो हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स को इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, जब कभी भी हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आया और आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मेथड क्या बोलता है कि आप, अब देखो ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से बड़ा है ना, तो आप क्या करो, उसको डिवाइड कर डालो ना। यस, क्या करो, डिवाइड कर दो। याद है हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन करते थे, वो हम कब करते थे बच्चों, याद करो, जब ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से बड़ा होता था तो ही करते थे ना। तो डिवाइड करने का, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, उसको हम इस फॉर्म में लिखने के लिखते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद आ रहा है? हाँ, यहाँ पर डिविडेंड कौन है, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एफ एक्स को। डिवाइजर कौन है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स से, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या करने का, डिवाइड बाई डिवाइजर कर देगा, क्योंकि वी नीड एफ एक्स अपॉन जी एक्स ना, तो सब में जी एक्स से डिवाइड किया, तो ये मिलेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यूब बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आर अपॉन जी एक्स। मतलब हर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, अब इसमें क्यू तो है कॉन्स्टेंट कोशेंट या व्हाटएवर, कुछ वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। आर पर जी एक्स से उसका अलग से इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर एफ एक्स अपॉन जी एक्स इफ इट इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। समझा? अगर ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो हम इस मेथड से उसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबको समझ में आया? ओके, सो दिस इज नॉर्मल। ये आई थिंक एक स्टार्टिंग के बेसिक एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन ऐसे आए भी थे जिसको हमने सॉल्व किया था। नाउ केस टू, केस टू मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, राइट। देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड एज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब देखो ऊपर का डिग्री लेस है नीचे के डिग्री से, तो डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। डिवीजन तो तभी पॉसिबल होता है जब ऊपर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से इक्वल हो या तो ग्रेटर हो, राइट। सो इन प्रॉपर रैशनल फंक्शन हमारे पास देयर आर थ्री केसेस एक्चुअली, ओके। और वो थ्री केसेस के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं।
ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज केसेस. Very first one, just observe this function. First, tell me. Is it a proper rational function or improper rational function? Tell me that first. Proper or improper? I have got only one reply till now. Think and answer. Those who are saying proper, improper. Okay. Yeah, definitely it is improper, बच्चों. आप बोलोगे सर नीचे ऊपर x square है, नीचे तो x है. अरे बट देर आर थ्री टर्म्स मल्टीप्लाइंग ना, x x x. अगर इन तीनों का जब भी पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इस थर्ड वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना बच्चों. सो डोंट यू थिंक कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है? सो दैट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो ये सबके सब इम्प्रॉपर है. ठीक है, थर्ड भी देखो, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा. ऊपर एक्स स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर एक्स है, मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है. तो ऑल दीज थ्री फंक्शंस आर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस. एवरीवन एग्रीड? नाउ ओके. नाउ ये तीनों फॉर्म को हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे. ठीक है, आई विल राइट देयर कॉमन नेम. कॉमन जनरल नेम. पहले वाले को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज थ्री डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स. डू यू एग्री? सो डिनोमिनेटर क्या है यहां पर? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. नॉन रिपीटेड, कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं. सो नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर है. लीनियर क्यों? क्योंकि एक्स का पावर वन है. इसको हम बोलते हैं इट इज ऑफ द टाइप वेर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? सेकेंड वन अगर आप देखते हो सो यू कैन सी एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर एक्स माइनस बी. अब एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए. It means there are repeated linear factors, right? So this I will say that denominator consists of repeated linear factors. Linear factors. Okay, and the last one, if you can see, it is a product of a linear factor and a quadratic, right? So it is a product of a linear factor
एंड अ क्वाड्रेटिक। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐसा क्वाड्रेटिक होना चाहिए बच्चों, ऐसा क्वाड्रेटिक होना चाहिए जिसका जो फैक्टर है, राइट। अभी जैसे देखो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर अगर बना सकता हूं, ठीक है, तो फिर तो वो टाइप वन हो गया ना बच्चों। डू यू एग्री? हेलो, अगर मैं वो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर पाया और फैक्टराइज कर दूंगा तो उसमें तो मुझे दो फैक्टर मिल जाएंगे, तो वो तो फिर पहला वाला टाइप हो गया। राइट। तो यहाँ पर नॉर्मली इस टाइप में हम वैसे सम देखते हैं जहां पर जो क्वाड्रेटिक होता है ना वो फैक्टराइज नहीं हो पाता है, मतलब नॉर्मल वाले मेथड से जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उससे वो फैक्टराइज नहीं हो पाता। तो हम बस ऐसा लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड डेफिनेटली दैट विल गिव यू अ नॉन रिपीटेड। अगर अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड किया या फॉर्मूला किया तो नॉन रिपीटेड ऐसा लिखो, एंड अ क्वाड्रेटिक विथ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक विथ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बट मैंने जो बोला वो ध्यान दो, इस वाले फंक्शन को अगर ये फैक्टराइज होता है तो फिर वो फर्स्ट फंक्शन के जैसे सॉल्व करो, फिर उसको थर्ड फंक्शन के जैसा कंसिडर मत करो। एंड नॉर्मली थर्ड में वैसा ही होता है जब वो फैक्टराइज नहीं होता तो हम ये मेथड करते। तो ये तो हमने तीन आइडेंटिफाई किया इम्प्रॉपर फंक्शंस को। पहला, लीनियर टर्म्स रिपीट होंगे। सेकेंड, लाइक नॉन रिपीट होंगे, इधर रिपीट होंगे और इधर लीनियर और क्वाड्रेटिक रहेगा। अब इन सारे फंक्शंस को कि जो भी हमने देखा एग्जाम में, इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, ओके, सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी सॉल्व देम। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय कन्वर्टिंग देम इनटू पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फॉर्म। एंड हाउ डू वी कन्वर्ट देम, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। How do we convert them? If you have a non-repeated linear factor, you will write this question as, you will introduce, since there are three linear factors, you will introduce three constants A, B, C. You will write A, below which you will write X minus A. Then you will write plus. Then write B, another linear factor. Then write C, another linear factor. You will directly write that this is equal to this. फिर आगे क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट पहले इतना समझ लो। अगर रिपीटेड हुआ, सपोज रिपीटेड वाला है यहां पर, सेकेंड वाला, ठीक है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस सी, इसमें क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस में जाएंगे। पहला एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है ना, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, पहले पावर वन से स्टार्ट करेंगे एक्स माइनस ए, फिर बी के नीचे अब पावर टू में जाएंगे एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर एंड फिर सेकेंड वाला टर्म सी अपॉन एक्स माइनस बी। सपोज आपका क्वेश्चन होगा, सर इधर क्यूब होता तो क्या करते फिर? तो देखो, क्यूब होता तो क्या करते मालूम है? ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखते, बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर लिखते, सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब लिखते और फिर डी अपॉन एक्स माइनस बी लिखते। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन एवरीबडी। नॉन रिपीटेड और रिपीटेड में क्या करना है, समझ में आया? रिपीटेड वाला कैसे बताया मैंने? सपोज एक्स माइनस बी स्टार्ट में होता और एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाद में होता, तो हम क्या करते? तो पहले लिखते ए अपॉन एक्स माइनस बी, फिर लिखते बी अपॉन एक्स माइनस ए, सी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। कोई भी पावर होने दो, पावर वन से स्टार्ट करने का, वन टू थ्री ऐसे बढ़ते जाने का,
जहां तक आपका पावर है। सर नॉन रिपीट का रिपीट करो, नॉन रिपीटेड में तो कुछ है नहीं। नॉन रिपीट में क्या करना है हमको, जितने लीनियर फैक्टर है उसको अलग अलग कर दो, ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर एंड सी अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर, उसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले को कैसे करने का, जो लीनियर फैक्टर है उसको लिखने का ए अपॉन लीनियर फैक्टर, बट जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना उसका न्यूमरेटर कैसा होगा मालूम है, इट इज अ लीनियर टर्म विथ टू कॉन्स्टेंट्स बी एंड सी, बी एक्स प्लस सी। सो ए अपॉन एक्स माइनस है बी एक्स प्लस सी अपॉन द क्वाड्रेटिक, इस तरीके से हमको लिखेंगे। सम आएगा तो हम जब इसको यूज करेंगे तो हमको ज्यादा बेटर से समझ में आएगा बच्चों कि एग्जैक्टली हम इसको किस तरीके से यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप मैंने जो भी आपको यहाँ पर अभी तक पढ़ा है आपको समझ में आ गया। ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर। यानी देखो एग्जाम में हमको पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ही होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर फंक्शन है तो वो तो नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, राइट? ओके, नाउ आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, फिर इसका यूज करके कैसे ये सब एबीसी का क्या करेंगे वगैरह वो हम देखते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू होल अपॉन एक्स माइनस वन x प्लस टू एक्स प्लस थ्री। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई, इज इट अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इज इट अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बच्चों? और इम्प्रॉपर है तो फिर उसमें टाइप वन कौन सा है, वन टू थ्री? यस, सो यू कैन सी यस ये इम्प्रॉपर है, और ये इम्प्रॉपर का भी कौन सा टाइप है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। कौन सा, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, करेक्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग ए बी सी लिखते हैं और फिर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ डू वी राइट दिस सॉल्यूशन। सोल्यूशन वी स्टार्ट विथ, लेट इंटीग्रेशन को छोड़ देने का, केवल टर्म को लेने का, एक्स स्क्वायर प्लस टू होल अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर, सी अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। फर्स्ट स्टेप ये लिखने का। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखो, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ना यहाँ का, ये इस साइड लेके जाने का, ये पूरा डिनोमिनेटर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों देखो क्या होगा, इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बचेगा, राइट? पूरा डिनोमिनेटर उधर गया, डिनोमिनेटर इधर जाएगा, तो एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, राइट? तो ए अपॉन एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा उधर से, तो इसका मतलब ए के साथ क्या क्या टर्म बचेगा, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली जब वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा,
एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, फिर थर्ड टर्म एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टेप? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, टर्म्स गेट्स कैंसिल, सो दिस इज लेफ्ट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई, इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, नाउ सी आवर मेन इंटेंशन, यू नो व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, इज टू फाइंड आउट ए बी सी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप सोचो, अगर ये जो क्वेश्चन है इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन तो कितना सिंपल है ना बच्चों, ए कॉन्स्टेंट वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, बी कॉन्स्टेंट वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, सी कॉन्स्टेंट वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी देन, यस और नो? सो वी हैव टू फाइंड एबीसी। अब एबीसी फाइंड करने का एक मेथड है, ध्यान से देखो हम क्या करेंगे मालूम है। अभी जैसे फर्स्ट टर्म देखो, देयर आर थ्री लीनियर फैक्टर्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक एक करके हर लीनियर फैक्टर को जीरो एज्यूम करो। हाँ क्या करेंगे, जीरो, यस। मैं बोलूंगा पुट एक्स माइनस वन जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जहां भी एक्स के एक्स है वहां पर वन पुट कर दो। हाँ देखो क्या होता है पहले, सो पुट एक्स इक्वल टू वन, सो दिस विल बी वन स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टू वन प्लस थ्री। यू विल रियलाइज हियर सर, हियर इट इज एक्स माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग इज जीरो। हियर ऑल्सो वन माइनस वन जीरो, सो एक्स माइनस वन जहां भी है वहां जीरो हो जाएगा ना, तो ये दोनों टर्म बचा ही नहीं हमारे पास, हमारे पास बस एक ही टर्म बचा। इसको सॉल्व करेंगे, वन स्क्वायर प्लस टू इज थ्री इक्वल टू टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, तो थ्री और थ्री कैंसिल, फोर उधर जाके डिवाइड करेगा तो ए का वैल्यू मिल जाएगा अपने को वन बाई फोर। सबको समझा हमने ए का वैल्यू कैसे निकाला बच्चों? ओके, नाउ सिमिलरली आई विल पुट द अनदर लीनियर फैक्टर, सो पुट एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इससे मिलेगा x का वैल्यू माइनस टू। ठीक है, अब देखते हैं, x की जगह माइनस टू है, सो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। अब x प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू जीरो, x प्लस टू जीरो, ये लास्ट टर्म भी गया तो बस मिडिल टर्म बचेगा, d इंटू माइनस टू माइनस वन एंड माइनस टू प्लस थ्री। सॉल्व कर लो, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स, बी इंटू माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस टू वन, तो माइनस थ्री उधर जाके डिवाइड करेगा तो बी इक्वल टू होगा सिक्स डिवाइड बाई माइनस थ्री, सो बी विल बी जस्ट माइनस टू। एंड सिमिलर लाइन, आई होप बी समझ में आया सबको। Now we put last term. What was the last term? X plus 3. Okay, so put X plus 3 equal to 0. That is X is equal to minus 3. So X minus 3 put karenge to kya hoga? Dekho, idhar to minus 3 ka square plus 2 hoga. So माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू होगा, ठीक है, और राइट में क्या होगा देखो, एक्स प्लस थ्री जहां भी है वो जीरो, ये भी जीरो, तो बस लास्ट वाला टर्म बचेगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। तो सी एज इट इज, एक्स मतलब माइनस थ्री, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। नाउ वी विल सॉल्व देम, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू इलेवन, c into minus 4 into minus 1,
11 इज इक्वल टू, ये आई थिंक 4c हो जाएगा, 4 उधर डिवाइड करेगा तो यू विल गेट c एज 11 बाई 4. हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ डिड आई गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी? यस. And now I'll substitute back these terms here, okay, in equation one. Okay, so let me write down that. So therefore, equation one becomes, okay, so what was equation one? X square plus 2 upon x minus 1 x plus 2 x plus 3 equals to, ठीक है, a 1 by 4 मिला है, 1 by 4 upon x minus 1 plus b minus 2 मिला है, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, सी 11/4 मिला है तो 11/4 अपॉन एक्स प्लस 3, करेक्ट. अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना था, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, मतलब नाउ इट इज इसका इंटीग्रेशन, राइट. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x plus 2 and 11/4 upon x plus 3. ठीक है, एंड नाउ यू इंटीग्रेट देम इंडिविजुअली, क्या होगा देखो. 11, ये जो 1/4 है वो तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया. 1 अपॉन x का लीनियर टर्म होता है तो लॉग होता है ना आंसर, तो लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर लकीली 1 है तो कुछ डिवाइड नहीं होगा. फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट कॉमन, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 यहां भी लॉग लग जाएगा, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2. एंड लास्ट वाला 11/4 कॉन्स्टेंट कॉमन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट से हर जगह डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहां पर 1 है इसके लिए वो इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन. अंडरस्टूड एवरीबडी? तो एक बार हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, देन इट बिकम्स वेरी इजी. ओके, उसका इंटीग्रेशन भी बहुत इजी हो जाता है. प्लीज रिप्लाई इफ एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सो दिस वाज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो फर्स्ट टाइप का था विच वी हैव सीन. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड प्रॉब्लम. नाउ बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, अभी देखो नीचे आपको आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म, ऊपर भी एक्स स्क्वायर का टर्म. इसमें कभी कभी हम ऐसा करते हैं बच्चों, अगर सपोज ऊपर 2x होता, 2x, तो हम क्या करते, सर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो तो ऊपर का 2x dx एडजस्ट हो जाता. डू यू एग्री दिस पॉइंट? यस.
अगर ऊपर एक्स स्क्वायर के जगह टू एक्स होता तो मैं एक्स स्क्वायर के जगह टी पुट करता तो टू एक्स डी एक्स डी टी एडजस्ट हो जाता, राइट? स्टूडेंट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन में होता है। एक वो सब्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी बताया जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट किया डेरिवेटिव निकाल के डीएक्स के साथ एडजस्ट करके डीटी लिखते हैं, टाइप वन, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। एक सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जो जस्ट फॉर नेम से, ठीक है, हम उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेशन में उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन। अभी सिंस इन दिस टर्म आई कैन सी डेरिवेटिव इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट, राइट, सो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इंटीग्रेशन को, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस टर्म को अलग से कंसिडर कर लूंगा कि भाई ये जो मेरा इंटीग्रल है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, इसको कंसिडर किया। एंड नाउ आई विल स्पेसिफाई हियर फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, क्या, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस ओनली वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर के जगह टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सोचो एक्स स्क्वायर के जगह टी पुट करूंगा तो सो इट बिकम्स टी अपॉन टी प्लस वन, टी माइनस टू, टी प्लस थ्री। सो नाउ डोंट यू थिंक, सर ये तो अभी टाइप वन हो गया, यस, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, हेलो, सो ऐसा लाना था इसलिए तो हमने ऐसा किया। एंड नाउ यू कैन सेपरेट देम, ए अपॉन टी प्लस वन, बी अपॉन टी माइनस टू एंड सी अपॉन टी प्लस थ्री। हेलो, सबको समझ में आया? ओनली फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सर क्वेश्चन में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन में जब करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे वापस, बस पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, एबीसी फाइंड आउट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट सॉल्विंग इट। अभी अगला टर्म तो आपको मालूम है क्या करना है, ये पूरे तीनों टर्म को उधर लेके जाना है। सो टी विल बी इक्वल टू वॉट, ए के साथ क्या होगा, टी प्लस वन कैंसिल, तो टी माइनस टू एंड टी प्लस सी, बी के साथ कौन होगा, टी माइनस टू कैंसिल, तो टी प्लस वन, टी प्लस थ्री, सी के साथ टी प्लस थ्री कैंसिल, सो टी प्लस वन, टी माइनस टू। अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ यू ऑल हैव टू सॉल्व। एक बार आप क्या पुट करोगे, पुट टी प्लस वन जीरो, दैट इज टी माइनस वन, यू विल गेट समथिंग, देन यू पुट टी माइनस टू जीरो, दैट इज टी इक्वल टू टू, एंड लास्टली यू विल पुट टी प्लस थ्री जीरो, दैट इज टी माइनस थ्री। हाँ, आपको ए बी या सी मिल जाएगा, सो जस्ट लेट मी नो ए और बी, ए बी सी का वैल्यू, स्टार्ट सॉल्विंग एवरीबडी।
Yes, I got the answer from one student. Other students, please reply. You all find out. Please don't just copy the answer and tell me. You all tell me that. You all find out. It's very easy. Na? First, we'll give you A, that is, I'm writing the answer given by one of the students. Second, we'll give you B. And third will give you C, right? Okay, please verify if everything is correct. A का आंसर वेरीफाई करो बिकॉज समवन सेइंग 1/6 आएगा. प्लीज वेरीफाई. सी, ये दोनों टर्म तो जीरो हो जाएगा. टी की जगह हम -1 पुट करेंगे तो दिस बिकम्स -3 एंड दिस बिकम्स 2, राइट? -3 और यहां पर 2 आएगा. तो ये -6 हो गया ना, तो -6a इज -1, सो या इट्स 1/6 ना, सो 1/3 इज इनकरेक्ट, इट शुड बी 1/6. प्लीज दोज़ हु हैव सेड 1/3 अंडरस्टूड. मम्मी rest all is right, so you can go ahead. अभी आगे क्या करेंगे हम लोग? Yes, हम लोग इस वाले equation में substitute करेंगे, right? Equation one में. So therefore, equation one becomes what? T upon P plus 1, P minus 2, P plus 3 equal to 1/6 upon P plus 1, 2/15 upon P minus 2, minus 3 upon 10 upon P plus 3. And now here is the important step. I cannot directly write integration of this because integration mein T thodi na tha. समझ रहे हो? यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, उस टी के जगह बैक सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर कर देना पड़ेगा, क्योंकि हो गया ना अपना काम. अपना जो एक्स स्क्वायर को टी पुट करके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने का काम था वो हो गया. सो आई विल बैक सब्स्टिट्यूट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 is equal to 1/6 x square plus 1, 2/15 x square minus 2, minus 3/10 x square plus 3. Have you understood? And therefore ab main integration nikalunga, to iska integration matlab iska integration, yes, iska integration kaise hoga, direct kar raha hu main, 1/6 common, integration of 1 upon x square plus 1 dx plus 2/5 common, integration of 1 upon x square minus 2 plus minus minus, so minus 3/10. सबको ये स्टेप समझ में आया बच्चों? Yes everybody, please let me know.
नाउ स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक, नाउ दिस इज नॉट वन अपॉन एक्स वाला टाइप कि लॉग लिख सकता हूं मैं, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। हाँ तो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला टर्म तो फॉर्मूले जैसा थोड़ा प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डीएक्स, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू को लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर डीएक्स, 3/10 वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। समझ में आया सबको? अब ये देखो, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। हाँ आपको याद होगा तो 2/5, ये है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होता है वन अपॉन टू ए, तो टू इंटू रूट टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 3/10 कॉन्स्टेंट कॉमन, वापस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सबको समझा मैंने कौन से फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए? फॉर्मूला याद है तो फिर इट बिकम्स वेरी सिंपल। अब बस इसको अरेंज कर दो, तो पहला वाला है 1/6 टैन इनवर्स एक्स बाई ए ना, एक्स बाई ए की जगह तो वन है ना, एक्स बाई वन राइट। सो ये सिंपली टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा फिर तो, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा 2/ रेस्ट मिलेगा, टू बाई 15 था ना, मैंने गलती से 5 लिख दिया यहाँ पर, इट इज 2/15। या तो ये क्या होगा बच्चों बोलो, देखो टू टू कैंसिल, तो बचेगा वन अपॉन 15√2 बचेगा। लॉग का टर्म में तो कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स प्लस रूट टू, करेक्ट। लास्ट में क्या होगा, देखो इधर 3 है इधर रूट 3 है बच्चों, हमको मालूम है 3 के अंदर 2√3 होता है, बिकॉज नॉर्मली वी नेवर हैव रूट इन द डिनोमिनेटर, वो रहता है तो हम उसको रैशलाइज करते थे याद है, तो 3 को √3 √3 लिखा तो 1√3 कैंसिल, तो फिर बचेगा क्या, तो ऊपर 1√3 बचेगा नीचे 10 बचेगा, √3/10 टैन इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुआ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज हो गया क्योंकि इंटीग्रल का टाइप ही चेंज हो गया ना, वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टाइप आ गया। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड। चलो गिविंग यू 2 मिनट्स, ये लास्ट वाला पार्ट लिख लो अगर नहीं लिखा रहेगा तो, फास्ट। हाँ सॉरी, यहाँ पर √10 कैसे लिख दिया, √3 होगा ना, करेक्ट √3 बोला मैंने, √3 लिख दिया गलती से 10। ओके चलो कंटिन्यू।
ओके, आई होप इट इज डन नाउ। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिफरेंट सीखने को मिला कि एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन भी होता है जो बस पार्शियल फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए होता है, राइट? ओके, लेट अस गो अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 डी एक्स। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर का पावर वन है, डिग्री वन है, नीचे तो टू है, राइट? तो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट वी वुड लाइक टू सी द डिनोमिनेटर जो क्वाड्रेटिक है, क्या हम उसका लीनियर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं क्या? कैन वी फैक्टराइज देम? जस्ट सी ये, सो 6 × 63 करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 63 × 6, राइट? उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 63 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 21, और एक 6 आ गया। 21 में 3 7 है और 6 में 2 3 है, दिख रहा है क्या? मतलब 6 × 63 जो भी आएगा उसका फैक्टर्स ये होने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का क्या मीनिंग नहीं है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो उसका फैक्टर्स ही निकालोगे ना आप लोग। सो इट इज बेटर टू कीप इट लाइक दैट। एंड नाउ यू विल थिंक विच टू कंबाइन टू गेट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आई शुड गेट 13। थिंक यू, मुझे 13 मिलना चाहिए, किसको किसको कंबाइन करूं? टेल मी फास्ट। यस, वेरी गुड। 3 3s are 9, 3s are 27, 3 को कंबाइन कर दिया और 14, 27 - 14 विल गिव यू 13। ओके, सो आई विल राइट इट एज 6x², 27x - 14x - 63। आई कैन टेक 3x कॉमन, सो 2x + 9 विल बी लेफ्ट माइनस 7 कॉमन, तो 7 2s are प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन। एंड नाउ 2x + 9 कॉमन, 3x - 7 विल बी लेफ्ट, सो हो गया। एंड नाउ देयरफॉर आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 12x + 3 अपॉन 2x + 9 3x - 7 dx। सबको समझ में आया? एंड नाउ डोंट यू थिंक अगेन इट बिकम्स टाइप वन ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर? अभी तक हमारे पास नॉर्मली 3 टर्म्स होते थे, अभी 2 टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, थोड़ा स्टार्टिंग का हिंट मैं दे देता हूँ, स्टेप्स कर देता हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको अलग से कंसिडर करते हैं। 2x + 9 3x - 7, we write a upon 2x + 9 b upon 3x - 7। ये दोनों टर्म को उधर लेके जाएंगे, इधर बचेगा 12x + 3, इधर से 2x + 9 कैंसिल, तो a इंटू 3x - 7 एंड b इंटू 2x + 9 बचेगा, करेक्ट? एंड देन यू विल पुट एक बार 2x + 9 एज 0, दैट इज एक्चुअली x = -9/2, एंड देन यू विल पुट
3x माइनस 7, हाँ यहाँ का जो नंबर्स का कैलकुलेशन हो सकता है ए बी का थोड़ा बड़ा आ सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, फॉलो द स्टेप्स दैट्स ऑल। ठीक है, एक्स का इधर आ सकता है 7/3। ओके सो दिस विल गिव यू ए का वैल्यू एंड दिस विल गिव यू बी का वैल्यू। चलो ऑल ऑफ यू कम ऑन कैलकुलेट दिस, गेट मी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाउ विल यू गेट फर्स्ट बी, यू आर गोइंग टू पुट 2x + 9 जीरो ना, सो बी विल बिकम जीरो, तो पहले से तो ए ही मिलने वाला है ना बच्चा, सी हाँ। एंड नॉर्मली कैसा होता है, ए के नीचे वाला सब्स्टिट्यूट किया ना तो वही मिलेगा, बी के नीचे वाला सब्स्टिट्यूट किया तो बी मिलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 × −9/2 + 3 a इंटू 3 × −9/2 − 7 करना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा। गिव मी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। Yes, I think by this time you would have got A and B का value. Yeah, someone have sent the answer. 102/41 is the value of A and B is 93/41. Please confirm these answers.
दिस इज योर इक्वेशन वन. इफ इट इज राइट आई विल सब्स्टिट्यूट देम बैक इन इक्वेशन वन. सो देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स. अब ये देखो ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है बच्चों, ये नहीं आता आपको ए बी निकालने को तो फिर क्या करेंगे हम लोग मैथ्स पढ़ के. हाँ ये सब तो आपको आना चाहिए. सो इट बिकम्स 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 3x माइनस 7 इक्वल टू ए इज 102 अपॉन 41 डिवाइड बाय 2x प्लस 9 बी इज 93 अपॉन 41. आई थिंक टू थ्री पीपल हैव गिवन द सेम आंसर सो इट मस्ट बी राइट. ओके एंड आई थिंक द इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. देयरफॉर आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन. सो 102 अपॉन 41 कॉमन 1 अपॉन 2x प्लस 9 का इंटीग्रेशन 93 अपॉन 41 कॉमन 1 अपॉन 3x माइनस 7 का इंटीग्रेशन. अभी देखो 102 अपॉन 41 तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट. दिस लुक्स लाइक 1 अपॉन लीनियर. तो आंसर क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9 बट नेवर फॉरगेट टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 हियर. सेम वे इन द सेकंड टर्म इट विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 3 प्लस c. अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो. 2 से देखो 2 5 जा 2 1 जा 51 अपॉन 41 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 9 3 से कैंसिल करो 3 3 जा 3 1 जा 31 अपॉन 41 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 9x सॉरी 3x है. थ्री एक्स माइनस सेवन प्लस सी ये आपका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड एवरीबडी? समझ में आया हमने कैसे किया पूरा प्रॉब्लम ये? प्लीज कंप्लीट दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Okay. So we have completed 3 questions here. I'll give you hint for few questions जो आप खुद से कर पाओगे. जैसे जैसा हमने अभी ये थर्ड प्रॉब्लम किया वैसा ही ये फिफ्थ प्रॉब्लम है बच्चों. I is equal to 2x upon 4 minus 3x minus x square. हाँ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. हम क्या करेंगे We will consider the denominator क्योंकि उसको factorize करना है. अब ये factorization नहीं possible है क्योंकि सब जो साइन है वो एकदम अलग लग रहा है. x square पॉजिटिव होना चाहिए तो हम क्या करेंगे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे. ये हो जाएगा x square plus 3x minus 4. समझा सबको? एंड 4 का ऐसा फैक्टर जो मुझे 3 देना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर. तो 4 वन जा 4 x square प्लस 4x माइनस x. आई होप सबको समझ में आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ. माइनस x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4 माइनस एज इट इज x प्लस 4 x माइनस 1 राइट. नाउ व्हाई टू कैरी दिस माइनस एक किसी भी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो. तो सपोज मैंने x प्लस 4 को ऐसा ही रखा x माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा तो मैं उसको 1 माइनस एक्स लिख दूंगा. सबको समझ में आया? एंड नाउ द रेस्ट इज होमवर्क. कैन यू मैनेज दिस क्वेश्चन? हेलो बस यहां पर पुट करना है फिर लीनियर फैक्टर a अपॉन x प्लस 4 b अपॉन 1 माइनस एक्स सॉल्व करो a b की वैल्यू मिलेगी. कर पाओगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन जैसा ही एग्जैक्टली? यस ओके. So this fourth question will be homework for everybody. Okay, let us see the fifth one.
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। डोंट यू थिंक सर ये तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है, एक्स स्क्वायर हाँ या नहीं बचो राइट बट अगर दोनों टर्म को ऑब्जर्व करो तो एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है, बस एक कॉन्स्टेंट का प्रॉब्लम है। तो ट्राई टू ब्रिंग द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, हाउ विल यू ब्रिंग, ध्यान से देखो नीचे माइनस सिक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स चाहिए तो माइनस सिक्स लिखा और प्लस सिक्स लिख दिया और फिर माइनस वन लिखा, समझा सबको? हेलो यस एंड नाउ आई कैन जस्ट रीअरेंज द टर्म्स। तो पहला जो टर्म चाहिए था वो एज इट इज ऐसा लिख देंगे और सिक्स माइनस वन फाइव हो गए। आई कैन सेपरेट देम नाउ, सेपरेट करूंगा तो क्या बचेगा, यहां तो वन बच जाएगा, यहां पर बचेगा फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। समझ में आ रहा है सबको? इंटीग्रेशन सेपरेट किया तो वन का इंटीग्रेशन एक्स राइट, और यहां पर बचेगा फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डीएक्स। नाउ स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक ये जो सेकेंड वाला टर्म है इट इज वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप? हेलो यस और नो? हाफ इनटू कोएफिशिएंट एडजस्ट करके हम सॉल्व करते थे। तो आप वो भी कर सकते हो, और अगर इसका लीनियर फैक्टर बन रहा है तो आप पार्शियल से भी कर सकते हो। समझ रहे हो बच्चों आप मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों मेथड कर सकते हैं, अगर लीनियर फैक्टर बन रहा है तो पार्शियल भी कर सकते हैं और इसको वन अपॉन क्वाड्रेटिक के टाइप से भी कर सकते हैं। आई विल डू बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आपको बता देता हूं मैं, आप इसको दोनों मेथड से ट्राई करना। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। सो कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, थ्री टू जा थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री माइनस टू कॉमन एक्स प्लस थ्री, सो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू पार्शियल फ्रैक्शन। ये सर तो क्या होगा, दिस इक्वल टू ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस, फिर ये इधर जाएगा फाइव इधर ही रहेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा ना बच्चों। हेलो तो इस वाले को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और एक्स को ऐसे ही रखेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करेक्ट बच्चों? और अगर इसको वन अपॉन क्वाड्रेटिक से डायरेक्ट भी करना है क्योंकि ये थोड़ा स्टेप्स होगा ना, अभी देखो हमने फैक्टराइज किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इतने में शायद अगर आपने वन अपॉन क्वाड्रेटिक कर दिया तो ज्यादा ईजी है। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, दैट इज हाफ इंटू वन दैट इज वन बाई फोर। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा हो जाता, फाइव बाहर ले लेते, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर होगा, फिर माइनस सिक्स में माइनस वन बाई फोर होगा, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस फाइव इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला टर्म मैं लिख दूंगा एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर होगा विच इज फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, समझे क्या? तो ये तो डायरेक्ट ईजी हो गया ना बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, सो दिस एक्स इज एज इट इज, ये एक्स प्लस फाइव मत समझना, फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है उस टर्म में, तो क्या होता है वन अपॉन टू ए टू इंटू फाइव बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इस तरीके से आंसर आ जाएगा, टू टू कैंसिल फाइव फाइव कैंसिल, एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन माइनस फाइव अपॉन टू कैंसिल टू एक्स प्लस वन प्लस फाइव, एंड नाउ वी कैन राइट डाउन लाइक दिस एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टू एक्स माइनस फोर टू एक्स प्लस सिक्स,
आई थिंक, और एक स्टेप हम टू कॉमन लेके टू को कैंसिल कर सकते हैं लॉग के अंदर, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी बच जाएगा. सो दिस वे ऑल्सो वी कैन सॉल्व. समझ रहे हो क्या? सो इट इज अप टू यू, बिकॉज ये दोनों टाइप से सॉल्व हो पा रहा है, तो हम कोई भी इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं. नॉट कंपल्सरी कि पार्शियली हमको सॉल्व करना है. समझ में आया बच्चों? तो ये फर्स्ट फाइव प्रॉब्लम्स जो हमने किया है, दिस वॉज फिफ्थ वन ना, राइट? हाँ, ये फाइव प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. सिक्स तो ऐसे वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि उसका पावर लाइक ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. नो प्रॉब्लम, दैट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. सी, ये पूरे एक्सरसाइज में यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. अभी तक हमने केवल टाइप वन किया है, टाइप वन के ही जैसे प्रॉब्लम किए, बट आपको मालूम है टाइप टू और टाइप थ्री भी कैसे करना है. सो मे बी आप थोड़ा अगर इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आओगे, तो नेक्स्ट एक लेक्चर में हम लोग बाकी के भी सम्स कर सकते हैं. ठीक है, सिंस आई एम सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम, सो इट इज टेकिंग टाइम. हाँ, सो आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ ऑल्सो, क्योंकि मैंने थोड़े हिंट बताया वो आप लोग ने नहीं लिखा रहेगा. सो आई सेंड यू द पीडीएफ ऑल्सो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर फॉर दिस इंटीग्रेशन.